सो वेलकम बैक टू एबी राइटर्स, आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज लेके आए येट अनदर ब्लॉग। सो आज है 12 अगस्त और टाइम हुआ है 4:30। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन में, बेंगलोर से महावलीपुरम। महावलीपुरम में एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है जो कि कल से स्टार्ट होगा। सो वो भी देखेंगे और महावलीपुरम में सारे साइट सीइंग करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को भी नज़ारे दिखाएंगे। सो चलिए इसी के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो हमारी सैडल बैग लग चुकी है दोनों साइड और टैंक बैग भी रेडी है और हम लोग भी तैयार हैं। सो अभी निकलेंगे, ये एक्स्ट्रा कुशन भी रख लिए हैं सीट के लिए। सो यहाँ से दिखा रहे हैं अभी 6 hours 14 minutes। सो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और चलते चलते बात करते हैं। और यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। सो यहाँ से ऑलमोस्ट 328 किलोमीटर दिखा रहा है। सो महावलीपुरम यहाँ से बेंगलोर से दो रूट है, एक है वेल्लोर से और एक है थिरुवनामल्लाई। सो दोनों ही रूट ऑलमोस्ट बराबर है, जस्ट 5 to 10 किलोमीटर्स डिफरेंस है एक दूसरे से, लेकिन हम लोग जाएंगे वेल्लोर होके क्योंकि वो गूगल सजेस्टेड कर रहा है उसमें, क्योंकि थोड़ा कम टाइम दिखा रहा है। और अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 4:40 और ये बता रहा है अप्रॉक्सीमेटली 10:51 में पहुँच जाएंगे। सो अगर सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे हैं काइट शो, इंटरनेशनल काइट शो जो हो रहा है वो हो रहा है उधर पे। सो आज से स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली, कल से नहीं। सो वो भी देखने का ट्राई करेंगे। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो फिर गर्मी वहाँ की थोड़ा कम लगेगी, बाकी देखते हैं वहाँ पे कितना गर्मी है क्या है। सो ये वाला जो रूट है ये हुडी से लेके जा रहा है अंदर से एंड देन वो हाईवे में टच करेगा। जिसने भी हमारी पहली वाली जो यहाँ बेंगलोर से यरकुड वाली जो ट्रिप है वो वाली ब्लॉग, 3 ब्लॉग डाला है उसके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। सो बेंगलोर से हम लोग यरकुड गए थे, यरकुड से फिर कोयम्बटूर गए थे, कोयम्बटूर का हम लोग आदियोग के शो भी देखे थे, लाइटिंग शो जो कि बहुत ही, मतलब मैं बताऊँ, स्पेक्टेकुलर है। मतलब आप लिटरली हाफ एन आवर के लिए आप भूल जाओगे कि आप कहाँ आए हो। सो आप लोग देख सकते हो वो ब्लॉग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और उसमें आपको काफ़ी, जैसे अगर आप लोग विज़िट करना चाहोगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा पहले ही कैसा क्या रहता है। अभी और 106 किलोमीटर बचा हुआ है तो अभी सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 9:40 हो गया है और 106 किलोमीटर टू कवर करने हैं जो कि एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 2.5 घंटे। पता नहीं कहाँ टाइम लगेगा, अभी तो हम लोग हाईवे में ही हैं। अभी नेक्स्ट हमारा जो बिग स्टॉप आएगा वो है कांचीपुरम। सो कांचीपुरम के बाद एक और स्टॉप है, वो नाम मेरे को याद नहीं है, एंड देन महावलीपुरम। ये शायद कोई रैली निकल रहा है, ये जा रहे हैं सिंहासन में बैठ के। ओ
मतलब ऐसे में यहाँ पे दिखा रहा है 32 किलोमीटर है और वो पहुँचने के लिए 1 घंटा 17 मिनट बता रहा है। मतलब ये रोड ऐसी ही है और ऐसे ही रोड में हम लोगों को पहुँचना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, आए हैं घूम के जाएंगे, एंजॉय करके जाएंगे। गर्मी ठंड ये सब तो चलता रहेगा, कहीं गर्मी रहेगी कहीं ठंड रहेगी। यहाँ पे ऐसा एक राउंड शेप का ड्रैगन टाइप एक फ्रूट मिलता है जो आई डोंट नो मतलब क्या नाम है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैं बता दे रहा हूँ। वो यहाँ पे बहुत सेल हो रहा है, शायद यहाँ के ये फेमस है या तो फिर रिहाई पे ये उगता है। ऐसे राउंड टाइप का है, पिंक कलर का है। अभी हम लोग है NH 132B। और ये फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, जस्ट 1 किलोमीटर अवे। अभी एक जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो ये फ्लाईओवर से कनेक्ट करता है और ये एक नदी से जाता है नीचे, वो नदी फ्लो हो रहा है, बैक वाटर बेसिकली, नॉट नदी, ये समुंदर की बैक वाटर है। मतलब आप यूँ मान के चलो और अगले 2-3 किलोमीटर बाद हमें समुंदर दिख जाएगा। तो हम लोग इस बार ईस्ट के बीचेस एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए क्या नज़ारा है, मतलब वर्थ है आना। सो हमने जो होटल लिया है वो जस्ट ऐसे रोड के बाजू में ही है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव भी है क्योंकि आसपास सब उसी के होटल के आसपास है जो जो साइट सीइंग है। बट हमारा आज का प्रायोरिटी वो है कि काइट फेस्टिवल देखना है एक बार। तो हम लोग कोशिश करें बहुत जल्दी जाए क्योंकि वो 2 बजे से चालू होता है और अभी ऑलमोस्ट 1 बज चुका है दोपहर के। यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे से सेलिंग के लिए रोड साइड में ये मूर्ति बनाए सब। ये है हमारा होटल स्पैगो इन। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। सो हम लोग ये रूम में आ गए हैं और ये रूम का आउटसाइड और ये है रूम। सो रूम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे अच्छा लगा। ये देखो आप यहाँ पे बैठने का जो चेयर दिया ना, इट्स रियली यूनिक। ये एक एक्स्ट्रा बेड भी दिया है एंड देन बाथरूम। सो बाथरूम भी बहुत अच्छा ही है, क्लीन है। सो ओवरऑल अच्छा है। सो अभी हम लोग प्लान ये है, फ्रेश होएंगे, होने के बाद फिर जो काइट फेस्टिवल है वो देखने जाएंगे। सो हम लोग अभी आए हैं ये काइट फेस्टिवल में। सो यहाँ पे बहुत सारे ये पार्किंग वगैरह, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा पार्किंग है। हम लोग अभी यहाँ से एंटर करेंगे, ये इधर शायद ये टिकट चेक कराना होगा, मेरे मोबाइल से शायद टिकट चेक कराना होगा। वो फिर टिकट चेक करा के फिर अंदर जाते हैं, जाके देखते हैं मेल। यहाँ पे ये टिकट चेक कराते हैं, कराने के बाद ये फिर हमें ऐसा वाला टैग दिया जाएगा जो हमें निकाल होगा। ये शायद हाथ में पहनना है। हाँ ये इसको हाथ में पहनना है, ऐसा है, इसको हाथ में ऐसे पहनना होगा। चलो अभी एंटर करेंगे यहाँ से। ये एंट्रेंस है।
ये हम लोगों को अभी ये ऐसे बैंड पहना दिया है, दिखा तुम्हारा ऐसे पहना दिया है। तो ये हम लोग यहाँ से एंटर किए हैं, हाँ। यहाँ पे जो है ये जो रात के डीजे शो है, और यहाँ पे कुछ तो स्टॉल्स लगे हैं सारे, देखेंगे हम लोग एक एक करके। हम लोगों का थोड़ा लेट हो गया आज, ऑलमोस्ट 9:04 बज गया ना, अपन पहुँचे भी थोड़ा लेट, और अभी बारिश भी, होटल वाले ने बहुत लेट दिया है, बहुत परेशान किया उसने। हाँ, होटल का रिव्यू आप लोग बताएंगे, बहुत ही ख़राब है, एकदम इत्मीनान से बताती हूँ। हाँ हाँ, ये अभी बारिश होने वाली है, पता नहीं काइट शो ख़त्म हो गया कि है, ख़त्म हो गया कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ऐसे स्टॉल्स लगे हुए बहुत सारे, और ये टिल 14th ना, 14th या 15th, 14 है शायद, टिल 14th ये शो रहेगा। यहाँ पे सारे लोग यहाँ आके क्यों बैठे हैं, रोल एंड रोल बेबी रोल। अच्छा, बेसिकली सारे फूड स्टॉल है ना, ये सारे फूड स्टॉल, फूड और जूस वगैरह ये सब के स्टॉल्स लगे हुए हैं, मतलब सारे फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे स्टॉल लगाए। कल होगी, कल से शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे। हाँ, आज तो जस्ट ओपनिंग हुआ है, आज इनॉग्रेशन बस था ना। आई थिंक ये काइट का शो यहाँ हुआ है, कल देखेंगे बाहर से आके, अगर कुछ अच्छा दिख रहा होगा तो फिर से टिकट ले लेंगे। हाँ, आज कोई तो आया है इनॉग्रेशन के लिए, वो देखो बहुत सारे भीड़ दिख रहे हैं ना, सब लोग आ रहे, कोई तो है जो ओपनिंग किया है, और काइट शो जो होता है वो ये राइट हैंड साइड में यहाँ होता है, सो हम लोग कोशिश करेंगे कल अगर हो, कोई मिनिस्टर आया होगा ना, डन। ये लोग शायद पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, हो सकता है, नहीं और ये लोग वॉलंटियर। ये बारिश तेज हो गई, ये लोग आए हैं पढ़ने, लोग पार्टिसिपेंट करने। ये है सेल्फी पॉइंट, आई थिंक ये वर्ल्ड का वो है ना, पूरे अर्थ का वो बनाया है, अर्थ ग्लोब, मदर अर्थ, ये सेल्फी पॉइंट। ये जो डायरेक्शन बताता है उसी को, सो गाइस अभी हम लोग काइट फेस्टिवल से वापस आ गए, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, बहुत देर तक तो हम लोग किसी ना किसी टेंट के नीचे छुपे हुए रहे, बट ज़्यादा नहीं बच पाए, तो पूरा डे पास हमारा ख़राब हो गया, आज का पूरा 150-300 रुपीज़ पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि ना हम काइट उड़ते हुए देख पाए, ना वहाँ का जो भी स्टॉल था, फूड स्टॉल थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आज अभी शाम को वहाँ पे म्यूज़िक फेस्ट भी होने वाला है, तो वो भी हम नहीं देख पाएंगे अभी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सम आओ अपने होटल के नियर बाय ये दिल्ली ढाबा में आकर बैठे हैं, जो कि अभी हम उस वहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, और हमने ऑनियन पकौड़े भी ऑर्डर किए हैं, देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये देखने में, अभी मैंने खा के नहीं देखा है, बट ब्लैक कॉफ़ी अभी मैं खाने वाली हूँ।
और यहाँ का एम्बियंस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे यहाँ पे देखिए एक ऑटो है यहाँ पे, और शायद इस पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, अभी मैंने ट्राई करूँगी। और बाकी काफ़ी बड़ा स्पेस है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं डिनर भी यहीं पर आके कर लेंगे, क्योंकि स्पैगो इन का जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बहुत बहुत ही ख़राब लग रहा है वहाँ का पूरा, मतलब ऑनेस्टली मैं ये बता सकती हूँ कि हॉस्पिटैलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनके स्टाफ में। बहुत ही वियर्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत उल्टा सीधा जवाब देते हैं, अच्छे से बात करो तो भी टेढ़े ही जवाब दे रहे हैं। पता नहीं ऐसा ऐसे होटल कोई मैनेज करता है क्या। खैर, दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव, बट मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ पे आए। हाँ, रूम्स अच्छे हैं, रूम के लिए आना है तो आ सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे फूड नहीं मिलेगा, पानी नहीं देंगे वो लोग, आप कुछ पूछोगे तो उल्टा जवाब देंगे। हमने खाना मंगाया तो उन्होंने बाहर से कहीं से खाना पैक करा के ला दिया, और पूरा एल्यूमिनियम फॉइल के बॉक्सेस में ला दिया, और जब हमने उनसे प्लेट्स मांगी तो उन्होंने हमें हाफ एन आवर बाद प्लेट ला के दी, जो पूरी स्मेली प्लेट थी, स्मेली ग्लास थे। फिर हमने उसे जब फिर से 9 नंबर पे रिसेप्शन पे फ़ोन करके बोला कि ये प्लेट्स तो ख़राब है, तो वो उल्टा हमें ही चिल्लाने लगा कि अगर आप खाना है तो खाइए, नहीं तो बाहर ढाबे हैं, वहाँ जाके आप खा सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एनी वन फ्रॉम द होटल साइट। सो अभी हमारा तो यहाँ पे 2 दिन का पूरा अमाउंट जमा है, तो अभी तो वो पैसे वापस करने वाले नहीं हैं। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ पर कुछ भी नहीं खाएंगे, और अब उनसे कोई सर्विस नहीं लेंगे, सिर्फ अपना रूम में रुकेंगे, और हम लोग कल नहीं परसों चेकआउट कर देंगे। सो बाकी हम देखते हैं रात में डिनर के लिए कहाँ निकलते हैं। यहाँ पे लाइन से 3 रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी दिख रही हैं, तो मिलते हैं फिर आपको नाइट में। अदरवाइज़ नाइट में नहीं अगर हमारी बात हो पाई तो कल हम अपने यहाँ का पूरा जो साइट सीइंग है वो करने वाले हैं महाबलीपुरम का, और कल हुआ तो अगर मौसम खुला रहा तो हम फिर से काइट फेस्टिवल का टिकट खरीदेंगे, और फिर देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी गाइड्स उड़ा रहे हैं। आज तो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो शायद वो इंटरनेशनल डेलीगेट्स ही गाइड उड़ा रहे हैं। तो देखते हैं कल जाके, अगर कल हमें मौका मिलता है तो कल वहाँ का एक ब्लॉग आपको बनाकर हम दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।